हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स कृष्णा देवतपाल व्लॉग चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही आसान सी रेमेडी। जी हाँ, आप थोड़ा सा देख सकते हैं मेरे फेस पे ग्लो रेमेडी का। तो एक्चुअली मैं आपको सस्पेंस में नहीं रखती हूँ ज़्यादा। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ईजी वे में बनने वाला, बहुत ही आसानी से बनने वाला एक फेस वॉश। जी हाँ, बहुत ही आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं और इसके इंग्रेडिएंट जो हैं वो बहुत ही आसानी से आपको घर में भी अवेलेबल होंगे। और अगर आपको घर में नहीं मिलते हैं तो आप इसको मार्केट में भी बहुत ही आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो फेस वॉश है आपके, मैं बता दूँ आपको, ये फेस वॉश है राइस फेस वॉश। जी हाँ, जैसे कि आप मेरे थंबनेल में देख ही चुके हैं, तो बहुत ही आसानी से ये घर में हम बना सकते हैं। कई लोगों को मार्केट का सूट नहीं करता है, तो फ्रेंड्स अगर जिनको सूट नहीं करता है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये फेस वॉश। और मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने अभी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे फेस वॉश करने के बाद। तो आप आगे वीडियो में देख ही लेंगे कि मैंने कैसे क्या किया है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 स्पून जितने राइस लिए हैं, थोड़ा ही राइस लिया है मैंने। और ये देखिए, ये भीग कर इतने अच्छे फूल गए हैं, बहुत अच्छे से फूल गए हैं। और अब नेक्स्ट मैं इसे एक बाउल में डालूँगी और उसमें लगभग थोड़ा सा पानी, छोटा गिलास तक पानी और डालूँगी इसके अंदर। बस इसको हमने बॉयल करना है। ये देखिए डाल दिया है मैंने, बस हमने इसको बॉयल करना है, अच्छे से पकाना नहीं है, मतलब इतना पक जाए कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। बस इसको पकाने में बॉयल आने देंगे हम इसको। ये देखिए बॉयल आ चुका है इसमें, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतना पका नहीं है, थोड़ा कच्चा ही है, लेकिन अभी इससे थोड़ा सा और हमें इसको पकाना है। तो ये देखिए, ये मेरा हो चुका है, पक चुका है जितना मुझे पकाना था। और अब जो है मैं गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ डव का सोप। अरे भाई, झाग भी तो लाना है, झाग नहीं होगा तो फेस वॉश कैसे बनेगा। इसलिए हमें बेबी सॉफ्ट स्किन चाहिए, तो हमें डव, आप डव ले सकते हैं या बेबी, कोई सा भी जॉनसन बेबी सोप ले सकते हैं या उनका फेस वॉश ले सकते हैं, कोई भी आप इसमें डाल सकते हैं। देखिए मैंने कद्दूकस करके डाल दिया है। बस अब इस मैटर को मैंने किया है ठंडा। ठंडा होने के बाद एक मिक्सर ग्राइंडर में हम इसको ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, और अगर आपको ये थिक लगता है तो इसको आप थोड़ा सा पानी डाल के भी इसको हल्का सा कंसिस्टेंसी इसकी थिन कर सकते हैं, इतनी भी थिन नहीं, जैसे हमारा फेस वॉश नॉर्मली होते हैं वैसे ही हमें चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मिलाया है बादाम ऑयल, इसके अंदर मैं मिलाऊंगी बादाम ऑयल। 1 स्पून बादाम ऑयल मिलाया है, और मेरी स्किन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राई है, विंटर आ चुकी है तकरीबन। मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया था कोकोनट ऑयल, और ये ग्लिसरीन डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून जितना मैं ग्लिसरीन डालूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी स्किन बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राई है, इस वजह से मुझे ये सब कुछ मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये सब कुछ आप भी डाल सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में, विंटर में सभी की स्किन ड्राई हो जाती है। नेक्स्ट मैं 2 टेबल स्पून ले रही हूँ यहाँ पे एलोवेरा जेल। तो आपको पता ही है एलोवेरा जेल का क्या काम होता है, ये हमारी स्किन को टोन करता है, मॉइस्चराइज करता है। और जो बादाम ऑयल है और कोकोनट ऑयल भी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज का काम करता है, और स्किन में अच्छा सा ग्लो लाता है, पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करता है। तो फ्रेंड्स, अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन के रेडी हुआ है, बिल्कुल जैसे फेस वॉश ही हो। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब ना ज़्यादा थिन और ना ही ज़्यादा थिक है, जैसे नॉर्मल फेस वॉश हमें बाज़ार में मिलते हैं, बिल्कुल वैसा ही बन के ये रेडी हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। और ये देखिए,
मैंने एक्चुअली इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दिया था, और फ्रेंड्स अब मैं इसे एक खाली कंटेनर में डाल लूँगी। ये देखिए मेरे पास खाली कंटेनर है, ये एक बॉडी लोशन था, पिछली विंटर का था, और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है। मैं आपको चेक करके दिखा भी रही हूँ, आप कहीं सोचें कि भाई पहले से ही फेस वॉश इसमें डाला हुआ है, तो देखिए बिल्कुल खाली है, और आपके सामने मैं इसे डालूँगी। ये देखिए जितना इसमें फिल होगा उतना डल जाएगा, और जितना बचेगा वो मैं आपको अपने फेस पे यूज़ करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी स्किन अभी डल हो रही है, बिल्कुल भी डल हो रही है, और अब मैं अपने इस बनाए हुए DIY को करूंगी यूज़, और आपके सामने दिखाऊंगी पूरा इसका लाइव रिजल्ट। तो ये देखिए ये बच गया था, तो इसी से मैं आपको अपना फेस वॉश आपके सामने ही करके दिखाऊंगी। तो इसको मैंने ले ली है थोड़ी सी क्वांटिटी, और ये देखिए ये क्वांटिटी ले ली है। अब इसको मैं अच्छे से मसाज दूंगी, और उसके बाद ही मैं इसको वॉश करूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने फेस वॉश कर लिया है, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने हाथों से बनाया हुआ फेस वॉश यूज़ करके। तो आप भी प्लीज़ इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने हाथ की कोई भी चीज़ बनी हुई होती है बहुत अच्छा फील होता है। देखिए कितना अच्छा ग्लो आया है मेरे फेस पे, और बस अब मैंने कुछ नहीं करना है, आपने करना है लाइक। जी हाँ, अपना काम कर दिया है, और अब है आपकी बारी। तो देखिए मैं आपके सामने लाइव ही, मैंने कोई कट नहीं किया है, आपके सामने ही मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, और मेरे फेस पे आप ग्लो देखिए। कुछ नहीं मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मुझे कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने सब कुछ इसके अंदर मिक्स कर दिया था अपने फेस वॉश के अंदर। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स ये रेमेडी आपको कैसी लगी, और प्लीज़ इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसको आपको लगाने के बाद क्या आपको फ़र्क दिखा आपकी स्किन के ऊपर, और इसको आप डे में 2 या 3 times भी यूज़ कर सकते हैं, और स्टोर कर सकते हैं आप इसको 15 days अबव भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अब सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में इतनी जल्दी मटेरियल ख़राब नहीं होता है, और फ्रिज में आप रखिए इसको तो ये 1 महीना भी चलेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा प्रेफर करूँगी कि आप 15 days के लिए इसे बनाएं, और थोड़े से ही क्वांटिटी में बनाएं, अच्छा लगे तो इसको आप और ही बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और शेयर ज़रूर करेंगे। आई होप आपको मेरी रेमेडी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।